हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर YouTube से रिलेटेड। काफ़ी सारे दोस्तों को मुझे कमेंट आते हैं कि भाई अगर हम YouTube चैनल बनाते हैं तो हम किस तरीके से उसको ग्रो करें, किस तरीके से उसको यूज़ करें, किस तरीके से हमारी वीडियो वायरल होंगी, किस तरीके से हमारी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात इसी टॉपिक पर करने वाले हैं, क्या टैग्स ज़रूरी हैं, क्या बिना टैग के अगर हम हमारी वीडियो क्या वायरल नहीं होगी। और जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो भाई बहुत सारी क्या होता है, बहुत ऐसी वीडियो होती हैं जैसे हमने आज की डेट में वीडियो अपलोड कर दी तो कितने टाइम में वो ग्रो होती है। तो इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आप ये पूरी देख लेते हो ना तो यार आप काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो से नॉलेज लोगे और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको आपके चैनल को ग्रो करने में। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने से ही स्टार्ट करता हूँ। मेरे तीन चैनल थे, मैंने साल 2019 के आसपास में मैंने चैनल बनाए थे, नहीं चले, बंद कर दिए मैंने 2022 में, क्योंकि यार मैं अब उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और मैं अपने काम वाम में भी लगा हुआ था। मैंने अपना कारखाना वगैरह करा, अब मैं मतलब अपना अच्छा खासा बिजनेस किया, उसके बाद मैं वापस से यूट्यूब में लगा। मैंने साल 2022 में लगभग मैंने अपना चैनल बनाया था, साल 2022 के लास्ट में लगभग एक साल के पहले मैंने बनाया था, यह वाला नहीं, मेरा दूसरा चैनल था, उस पर 35K व्यूज़, उस पर 35K सब्सक्राइबर थे और उसकी जो वीडियोस थी ना वो मैं ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर बनाता था। अब हुआ क्या, बहुत उसमें कुछ ऐसा क्या हो जाता है कई बार कि जैसे हम प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं कोई, तो वहाँ पर कुछ प्रमोशनल वीडियो दो एक ऐसी रह गई थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। क्योंकि मैं क्या करता था वहाँ पर, जैसे मैं कोई प्रमोशनल वीडियो बनाता हूँ या मैं किसी ऐप के ऊपर एक या दो मिनट के बाद लिए बताता हूँ उसके अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करता था, जैसे मैं एक ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा हूँ, मैं लगभग 10 या 12 मिनट के ट्रेडिंग के ऊपर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो भाई वो थोड़ी लंबी होती है, तो मैं इतने टाइम की वीडियो बनाता था। अब होता क्या था कि भाई वो जैसे वीडियो के अंदर मैं एक आध मिनट का जो टाइम होता था वो दे देता था मैं उस प्रमोशनल वीडियो के लिए, तो उसकी वजह से ना मेरा जो चैनल है उस पर, क्योंकि कई रम्मी टाइप ऐप के ऊपर भी मैंने वहाँ पर बनाई थी, तो उसमें क्या हुआ मेरा जो चैनल था वो एक दिन मैं रात को अच्छा खासा देखा मैंने कि भाई व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सुबह को जब मैंने उठ के देखा वो मेरा जो चैनल था वो बंद हो गया। वो चैनल मेरा ग्रो कितने टाइम में हुआ था भाई, मैंने लगभग अगस्त में बनाया था 2022 में, और वो मेरा जो चैनल है वो अभी फ़िलहाल में जून या जुलाई के आसपास में वो चैनल मेरा रिमूव हो गया पूरा, ठीक है। तो वो रिमूव हो गया, लगभग एक साल भी नहीं हुआ था, 7-8 महीने के अंदर मेरे उस चैनल के ऊपर लगभग ऑलमोस्ट 35K वहाँ पर सब्सक्राइबर थे। और मेरी ना ज़्यादातर अपस्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, ग्रो के ऊपर वीडियो बनाई, एंजल वन के ऊपर बनाई, कॉइन स्विच ऐप के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने इनमें से किसी ऐप के अंदर भी मैंने एक भी टैग नहीं डाला था, एक नाम को भी मैंने वहाँ पर टैग नहीं डाला था, और पूरी की पूरी वीडियो जो है ना बिना टैग के थी। ये पाँच टाइप, क्योंकि मेरी सारी ट्रेडिंग की वीडियो होती थी, तो ये 5 या 6 ऐसी वीडियो मैंने बना रखी थी। एक तो हो गई वहाँ पर आपकी अपस्टॉक के ऊपर, एक मैंने बनाई थी, दो मैंने मेरे ख्याल से कॉइन स्विच के ऊपर दो बनाई थी और अपस्टॉक के ऊपर एक बनाई थी, ग्रो के ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई थी, मेरी 7 या 8 वीडियो ऐसी थी उसमें जो लगभग 3 लाख से ऊपर जा चुकी थी और उनमें 5 लाख से ऊपर गई थी मेरी अपस्टॉक की वीडियो। तो उनसे ना मेरा अच्छा खासा चैनल ग्रो हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई टैग जो है, टैग ज़रूरी नहीं है कि अगर हम टैग लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि टैग लगाएं नहीं लगाएं, तो देखो आप नए, पहली बात तो यार जब हम नए आते हैं तो हमें सबसे पहले तो ग्रो होने में टाइम लगता है। बहुत सारों की किस्मत अच्छी होती है, काफ़ी सारे दोस्तों की, वो क्या करते हैं वो इधर वीडियो डाली और उधर उनकी ट्रेंडिंग में चली गई और वो उससे अच्छे खासे उनको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे। देखो पहला काम तो हमें क्या करना है, जब हम यूट्यूब चैनल बनाएं पहले बात तो हमें पेशेंस रखना है भाई। ऐसा नहीं है कि यार हमारा जो चैनल है वो एक या दो दिन में ग्रो हो जाएगा, टाइम लगता है। सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक चूज़ करने हैं, टैग लगाना ज़रूरी है मैं मानता हूँ भाई, और अब लगाते भी हैं हम, लेकिन कोई से ऐसी भी वीडियो होती है जो बिना टैग के भी चल जाती है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है इस चीज़ का। तो टैग आप लगाओ, लेकिन ये मत सोचो कि भाई टैग से ही कोई वीडियो आपकी रैंक होगी, क्योंकि यूट्यूब जब आपकी कोई वीडियो चलती है ना, लोगों तक जाती है और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो क्या होता है यूट्यूब भी आपकी वीडियो को आगे सजेशन में देता है लोगों को।
मेरी जो वीडियो थी वो शुरू में का जो लोगों ने देखी, अगर मैं 8 या 10 मिनट की ट्रेडिंग के ऊपर 10 मिनट मैक्स मिनिमम की मैं बनाता ही था। अभी भी आप देखोगे इस चैनल पे मैंने ट्रेडिंग की 2-4 वीडियो डाल रखी हैं, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग कैसे करें, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये, जैसे मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा था तो एवरेज जो ड्यूरेशन हो रही थी, जो एवरेज लोग बाग देख रहे थे उस वीडियो को, 5 या 6 मिनट कम से कम देख रहे थे। अब ये 50% से ऊपर जा रही थी। अब अगर 50% से ऊपर आपकी वीडियो देखी जा रही है तो उसका मतलब होता है कि हाँ भाई अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है आपकी वीडियो, यानी कि लोग बाग आपकी वीडियो देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब वो क्या होता है, जब आपकी कोई वीडियो लोग बाग देखते हैं तो भाई YouTube क्या करता है, YouTube को दिखता है कि भाई हाँ भाई ये अच्छी देख रहे हैं लोग बाग, तो वो और आगे सजेस्ट करता है लोगों को। कभी आप अपने देखोगे, आप YouTube स्टूडियो में जाओगे और अपनी वीडियो में जाओगे, एनालिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको ये देखना मिल जाएगा आपकी किस कौन कौन देख रहा है, सजेशन में से कितनी देखी जा रही हैं, सब्सक्रिप्शन फीड में से कितनी देखी जा रही हैं, YouTube सर्च में से कितनी देखी जा रही हैं, इस सारी की सारी आपको देखने मिल जाएगी। तो मैंने ये देखा था स्टार्टिंग में, जब मेरे लगभग 50K के आसपास वहाँ पर मेरे व्यूज़ हुए थे उस वीडियो के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने ये देखा था कि ज़्यादातर जो है ना सजेस्टेड वीडियो होती हैं वहाँ से देखी जा रही हैं, या रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब हमारी वीडियो को तो वहाँ से देखी जा रही थी। तो ये दो एक कैटेगरी ऐसी होती हैं जो यूट्यूब अपने पास से फिर उनको आगे फॉरवर्ड करता है लोगों के पास, तो लोग बाग देखते हैं उसी टाइप के लोगों के पास वो वीडियो जाती है जिस टाइप का आपका टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यूट्यूब से रिलेटेड बना दी मैंने और यार ये वो ट्रेडिंग से रिलेटेड लोगों के पास, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अगर हमें अपनी वीडियो चलानी है ना तो वीडियो में हमें सबसे पहले तो नया चैनल बनाने के बाद पेशेंस रखना है, हमें सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक चूज़ करने हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं हमें वो चूज़ करने हैं, ठीक है। अब हम ट्रेंडिंग टॉपिक चूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमें टैग भी लगाना है, बाकी आप देखो अपने हिसाब से टैग सही से देख सर्च करो सही टैग, और उसके बाद उनको डालो डिस्क्रिप्शन में, उसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, डिस्क्रिप्शन से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जब हम नए YouTube पर आते हैं। और भाई क्योंकि देखो एकदम से कोई भी नहीं चलता है, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख लो, चाहे आप मनोज डे को देख लो, चाहे आप और यूट्यूबरों को देख लो, आप उनकी जर्नी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की है। भाई हम लोग तो आज को 30-40 हज़ार का मोबाइल ले लेते हैं और या कैमरा ले लेते हैं, जैसा अपना बजट होता है हम उस हिसाब की चीज़ लेके वीडियो बनानी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो बेचारे 10 हज़ार 12 हज़ार के मोबाइल से काम चलाते हैं, लेकिन आज को देखो वो मेहनत करते हैं और मेहनत ही सबसे आगे बढ़ाती है। भाई हमारे पास भी कोई ये नहीं है कि हम एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं या हम 1-1 लाख के कैमरे चला रहे हैं, हम भी नॉर्मल मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, हमारे भी इतना बजट नहीं है, ठीक है। तो भाई आप जितने से भी हो ना, पहली बात तो उतने से ही आगे अपना सफ़र स्टार्ट करो। कभी दूसरे को देख के ये मत सोचो कि भाई उसके पास कैमरा भी है, उसके पास एप्पल का मोबाइल भी है। भाई हमारा अगर इतना बजट नहीं है तो क्या हम यूट्यूब पर काम ना करें? तो भाई इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। जो भी आपके पास मोबाइल है उसी मोबाइल से आपकी वीडियो बनाओ, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह सही रख लो, बस ये चीज़ हमें करनी है। और उसके बाद आप देखोगे कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना, उन ट्रेंडिंग टॉपिकों पर आप वीडियो अपलोड करना, और जो मैंने तरीका बताया टैग को ध्यान में रखना, साथ में डिस्क्रिप्शन को आपको लिखना है सही से, और ट्रेंडिंग टॉपिक ही चूज़ करने हैं। भाई आप चाहे तो ये देख लो भाई बड़े यूट्यूबर्स ने जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाई, आप भी उसी पर उठा के वीडियो बना दो। तो ये काम हमें करने हैं, 100% हमारा चैनल ग्रो होगा। और आप देखोगे 1 साल में या 2 साल में, देखो टाइम लगता है यार, किसी की किस्मत अच्छी होती है ज़्यादा वो एकदम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लगता है। तो भाई पेशेंस रख के काम करना है, YouTube की जर्नी बहुत लंबी होती है, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है कि भाई इस लिमिट पर जाके हमें रुकना है, अनलिमिटेड आप यहाँ पर काम कर सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ पर आसमान खुला, पूरा का पूरा आपको यूट्यूब मौका दे रहा है जहाँ पर वर्क करने का। तो भाई मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, आप YouTube पर काम स्टार्ट करो, बस आप डेली के डेली वीडियो डालते जाओ, इससे आगे आपको कुछ नहीं है, बाकी भाई आपका काम होता रहेगा। आप डेली अच्छे टॉपिक पर वीडियो डालो, लेकिन ऐसे टॉपिक पर वीडियो मत डालना जिससे कि आपका जो मेहनत है वो सारी बेकार हो जाए और आपका चैनल ही रिमूव हो जाए, ठीक है ना। आप प्रमोशनल वीडियो को भी डालो तो सोच समझ कर डालना, प्रमोशनल वीडियो ऐसी ना हो जिससे कि
काफ़ी सारे प्रमोशनल ऐप्स ऐसी होती है जो यूट्यूब मना करता है यूट्यूब पर डालने के लिए, तो आप उनसे भी बचें। बाकी आप इस डेली वीडियो डालें और यहाँ पर आप ग्रो आसानी से हो जाओगे, बस पैसे से रखना, बाकी आपको कुछ काम नहीं करना। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मौके मिलने वाले हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें उसी टॉपिक पर आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के वीडियो में इतना ही।